बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बिल्कुल मुमताज हुसैन साहब। ये यहाँ पे स्पेन में मौजूद थे और ये 2012 में इनके पास परमानेंट कार्ड था और ये वापस चले गए। वहाँ पे जाके तो 2 4 साल 5 साल गुजारे, तो पाकिस्तान के हालात भी थोड़े से ख़राब हो गए। और जब वहाँ पे ये गए ने महसूस हुआ कि अब इन्हें स्पेन की याद आई और किसी तरीके से इन्होंने हमसे रब्ता किया और इन्होंने कहा जी हमें 2012 वाला कार्ड रिकवर करवा के दें। तो आज ये कार्ड लेके खुद एक तो शुक्रिया अदा करने आए हैं और दूसरा बताने आए हैं कुछ कि तुसी दसो 2012 जो तुसी पाकिस्तान गए, कोई आवाम नूं दसो जो लोग परेशान ने वापस आना चाहते जिन्हें को परमानेंट कार्ड है, तुहाडा किन्ने अरसे च होया ते की महसूस कर रहे हो अज कार्ड लैके? सर कार्ड लैके बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। मैं 2012 च गया ते उस टाइम तकरीबन कोई 3 1 साल बाद मैं वापस आने लगा ते मैड्रिड मैं एयरपोर्ट से उतरिया तो उन्होंने वापस मसले की दिखाई दी। उन्होंने कहा तुम ज़्यादा रहे हो पाकिस्तान, इस वजह तो जरा ना ज़्यादा तुम डिपोर्ट किया जाता है। फिर सर मैं वापस टुर गया, उत्थे तकरीबन कोई 6 महीने साल बल्कि 6 8 साल तकरीबन मैं पाकिस्तान रहा। उस मेरे इतने तकरीबन पूरी फैमिली आई तो उन्होंने रबता बेटैम ही होंगे। उन्होंने फिर जो फोन कनैक्ट किया इमरान मलिक साहब ना, तो उन्होंने थ्रू सारे तकरीबन कोई 8 साल बाद फिर मैं इतने गोडे गोल स्पेन आ गया। मलिक साहब किन्ने अरसे तुहाडा वीजा लगे था, कार्ड किन्ने अरसे बाद ये तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 3.5 के 4 महीने का टाइम लगे मेरे को। 3.5 4 महीने के अंदर इन्हों को फिर लारगा दूरा से होने, जिन्हें भी लोग तुसी पाकिस्तान हो इन्हों रबता कर सकते हो, बेशक मुमताज हुसैन साहब ने साडे नाल रबता कर सकते हो। 3 4 महीने तुहाडा ओही कार्ड जिहड़ा जाया होया है परमानेंट कार्ड वो असी वापस लैके देंगे। इस तरह के भी असी बहुत ज्यादा लोगों ने लैके दिते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी लैके देंगे। सानू ये खुशी है कि ये आज दोस्त जड़े ने इन्हों को फिर वही कार्ड है कि दोबारा अपनी जिंदगी रिकवर कर सकते हैं और अपना कार्ड रिकवर करके अपने बच्चों वास्ते मुस्तकबिल ढूंढ सकते हैं। थोड़ा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।